88 का स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। जी अविनाश, अभी हम एजेस्को की कुछ देर पहले बात कर रहे थे, एनवाईएससी पे लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद से, अगर आप एनएससी पर लिस्टिंग के बाद से शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सा वॉलेटाइल और उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखी है। हालांकि फैक्ट ये भी है कि स्ट्रांग ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं मेजेस्को के, यूएस, कनाडा, यूके, मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्रीज में कंपनी के ऑपरेशंस हैं और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस बिजनेस रहा है बीते 3-4 सालों में वो बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है कंपनी का। लेकिन अभी अप्रोच आप ही क्या है मेजेस्को पर 310 के लेवल्स पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली, मेजेस्को की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म पिक्चर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्लियरली मेजेस्को जिस प्रोडक्ट स्पेस में ऑपरेट करता है वहाँ पे मार्जिन्स नॉर्मली आईटी सर्विस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा होती है और मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट आपको मेजेस्को की शेयर प्राइस में आने वाले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली जिस प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग हुई है इसको डेफिनेटली न्यूयॉर्क की मार्केट्स में या यूएस के मार्केट्स में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है और ग्लोबली के जो ऑपरेशंस है इसका इंपैक्ट आपको अर्निंग्स पे शायद 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट में या इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो डेफिनेटली 1-1.5 साल के नजरिए से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। और कुछ स्टॉक्स